बिकॉज आपके पापा ने पैसा दिया है और पैसे से तो चाकर मिलता है, पति नहीं। जो अपने बेटे को बेच सकता है, बोलिए वो तुम्हारी बेटी को कैसे खुश रख सकता है, कैसे रखेगा, बोलो। आजकल दहेज लेते हैं और बड़ा दहेज लेके कई तो अब वो करते हैं, वो ऐसे हमें कुछ नहीं चाहिए, बारात का स्वागत फाइव स्टार होटल में होना चाहिए। फाइव स्टार होटल ही आ रहा है 10-20 लाख का, कहां से लाएगा? गरीब बाप तो नहीं ला सकता। और अगर बाप को अपनी बेटी के विवाह के लिए अपना मकान बेचना पड़े, अपना खेत बेचना पड़े, अपनी जमीन बेचनी पड़े, तो धिक्कार है ऐसे समधि के लिए, धिक्कार है ऐसे पति के लिए। मैं पत्रकार बंधुओं से निवेदन कर रहा हूं, इस बात को प्रमुखता से लिखें, दहेज समाज का सबसे बड़ा दानव है। समाज के बड़े लोगों से मेरा आग्रह, अगर सुयोग की बहू चाहते हो तो दहेज के दानव को मार डालो। जब दहेज का दानव मर जाएगा, आपके घर में सुयोग की बहू आएगी। यहीं पर हमारी तमाम बेटियां बैठी हैं, जिन्होंने माथे पे तिलक लगा रखा है, गले में कंठी धारण की हुई है, जिनके पाप पिता पे ज्यादा पैसा नहीं है लेकिन संस्कार कूट कूट के भरे हुए हैं, इसी पंडाल में बैठी हुई है, इसी पंडाल में सुयोग की कन्या जो हमारी शिष्य है। तो अपने बेटे को एक अच्छी कन्या के साथ विवाह कराइए, मेरा आग्रह। तो कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में कराया।